मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं, तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूँ। चलिए आप उसको गलत प्रूफ कर दिए सऊदी ओवैसी को, इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहाँ चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाए अपने टीवी चैनल से? भारतीय मीडिया चैनल्स पर किसी न किसी मुद्दे पर डिबेट होती रहती है। पिछले कुछ सालों में मीडिया में डिबेट के मुद्दे में काफी बदलाव देखने को मिला है। एंकर्स भी डिबेट में सत्ता पक्ष के नेताओं की बजाय विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं, पर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इन मीडिया एंकरों को उल्टा जवाब भी दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज हम उनकी कुछ डिबेट्स की बात करेंगे जब वे मीडिया एंकर पर हावी होते नजर आए। 2019 में जब मोदी इलेक्शन जीते तब ABP पर ओवैसी जी का इंटरव्यू हुआ। जब एंकर रोमाना खान ने ओवैसी से मोदी की जाति को लेकर सवाल करने शुरू किए तब ओवैसी भड़क उठे और उन्हें BJP का स्पोक्स पर्सन बता दिया। क्या विपक्ष की दिक्कत यही है कि वो जाति के बंधनों में बंधा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कहा जाता है कि मेरी जाति एक ही है, मेरी जाति गरीबी है, उसे हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं सर? मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं, तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल काम नहीं रख रही। सवाल करना मैं है मुझे, रोकना दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूं। आप, मुझे आप इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप BJP के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं मुझे। आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप BJP को चाहती हैं, मगर कम से कम एंकर का जो आपका रोल है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मेरी आप, चलिए अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि तमाम पार्टीज करती हैं, कास्ट को सब इस्तेमाल करती हैं, इसमें कोई BJP नहीं करती है मत कहिए आप, BJP भी करती है, ज़्यादा करती है। BJP में एडवांटेज ये हो गया है कि वो कास्ट को हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ देती है। आज तक पर CAA NRC के मुद्दे पर ओवैसी का इंटरव्यू हुआ। एंकर श्वेता ने ओवैसी से NRC CAA पर सवाल करने शुरू किए। ओवैसी ने मोदी से सवाल करने को कहा, तब एंकर ने सवाल को घुमाना शुरू किया, तब ओवैसी भड़क उठे और उन्हें सुनाने लगे। गृह मंत्री ने जो कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो कौन झूठ बोल रहा है? आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं, और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना, छोड़ दीजिए हमारा क्या हाल है, हम गुनाहगार हैं, जो भी है। ऐसा विरोध प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? उसी चीज को जिसको आप कहीं से कहीं घुमा फिराकर धर्म से जोड़ दे रहे हैं। मैडम जो दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो क्या सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं? आपको गलत फहमी है मैडम, माफ करना मैडम, आप टीवी स्टूडियो में बैठी हैं, आप रोड पर आकर देखिए, उसमें हर मजहब के, हर कास्ट के लोग और खास तौर से महिलाएं उसको लीड कर रही हैं। अगर आप उसको मजहब की ऐनक लगा के देख रहे हैं तो मुझे अफसोस हो रहा है, बल्कि उनकी तौहीन हो रही है। आज तक पर वोट बैंक की राजनीति के मुद्दे पर एंकर अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी से उनके बयानों का हवाला देकर कुछ सवाल किए, जिसको ओवैसी ने पलट जवाब देकर अंजना को घेर लिया। भी अपने भाषणों में कैंपेन ट्रेल मैंने आपका किया ओवैसी साहब, आप भी बार बार कहते थे इंशा अल्लाह ये मोदी जाएगा। आप भगवान का नाम, आप अपने खुदा का नाम ले सकते हैं, तो फिर ये पार्टी क्यों पीछे रहे? क्योंकि इनको भी लगता है कि इसी के जरिए हम अपने हिंदू वोटर्स को पोलराइज करेंगे। अगर मैं कहूंगा कि इंशा अल्लाह अंजना ओम कश्यप और मशहूर हो जाए तो क्या आप कम्युनल हो गए?
अगर मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह मैं दोबारा एमपी बनूंगा तो मैं कम्युनल हो गया, लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता कहे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा? नहीं नहीं ओवैसी जी, यही तो मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी का कोई नेता ये कह दे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा? फर्क मैं बता रहा हूँ आपको कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में, फर्क ये है कि असदुद्दीन ओवैसी खातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं, मंत्री फूल का हार पिनाते हैं जो मार कर आते हैं। जी न्यूज पर राम मंदिर के मुद्दे पर एंकर ने जमीन को लेकर जब सवाल करने शुरू किए, मामला हिंदू मुस्लिम होते देखकर ओवैसी ने एंकर से तीखे सवाल करने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सोच समझ कर ही ये नाम तय किए होंगे। चलिए आप उसको गलत प्रूफ कर दिए असदुद्दीन ओवैसी को, इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है अगर उन्होंने किसी एक के पक्ष में ये फैसला सुना दिया तो एक समुदाय में हमेशा खटास रहेगी। मैडम मुझे नहीं मालूम था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। अभी अभी इंकशाफ हो रहा है, वो वरकबाद देता हूँ आपको, लॉर्डशिप कहकर पुकारूंगा आपको मैं। नहीं नहीं ओवैसी साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप बात कर रहे हैं। मैडम मुबारकबाद देता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप मैडम एक काम करते हैं ना, चलिए आप मेरी गर्दन कटवा दीजिए, इत्मीनान हो जाएगा सबको, कर लीजिए, मेरे जिस्म के एक नहीं 50 टुकड़े कर दीजिए, बीजेपी से मुद्दा चला जाएगा, कर दीजिए ना मैडम। अगर अब नौबत इस बात पर आ चुकी है तो चलिए हम तैयार हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि गर्दन नहीं कटेगी, देखिए पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि हमारा देश कितना सेक्युलर है। जब रोहित सरदाना जी न्यूज में थे तब बिहार में एक विवाद को लेकर ओवैसी के साथ डिबेट हुई। रोहित सरदाना ने ओवैसी से उनके भाई को लेकर कुछ सवाल किए जिस पर ओवैसी भड़क उठे और रोहित सरदाना से सवाल करने लगे। आपको लगता है कि आपके केवल मीट पर दिए गए बयान मीडिया दिखाता है, आपके केवल देश के खिलाफ दिए गए बयान मीडिया दिखाता है, जब आप मुसलमानों की अच्छाई करते हैं तो मीडिया नहीं दिखाता? आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को आप वापस लीजिए। उसके ये आपको जेब नहीं देता, कितना बड़ा वैसे आपको जेब नहीं देता, कितना बड़ा टीवी, आप जरा सुन तो लीजिए आपने क्या कहा। मैंने देश के खिलाफ कहा, अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहाँ चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बोला आपने टीवी चैनल पे? सर मेरा सवाल ये है, आप बताइए केस, सर आप एक सांसद भी हैं, आप दिनों वैसे आप एक सांसद भी, आप इस तरह की बात, सांसद भी हैं, नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं है, आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं है, उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा, आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम, आपको तो मालूम है ना, आप तो वकील हैं इसलिए आप छुपा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। आप चलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज, मैंने जो कुछ कहा आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर, जो कुछ कहा। ये थे कुछ वो डिबेट्स जब ओवैसी ने मीडिया एंकरों को सुनाया और सीधे मोदी से सवाल करने को कहा। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि मीडिया सरकार में बैठे नुमाइंदों से भी सवाल करना शुरू करेगा और जनता की परेशानियों का हल निकालने में कोई मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।